तो गाइस देख सकते हैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन है गाइस, और देव दीपावली, तो भारी संख्या में लोग श्रद्धालु जो है यहाँ पर इस गंगा घाट पर नहाने के लिए आते हैं गाइस। देख सकते हैं आप संख्या में श्रद्धालु जो है सुबह से ही लग गए हैं, पूरे फैमिली के साथ बाहर बच्चे लेडीज बुजुर्ग आप देख सकते हैं पूरे घाट में नहा कर वापस जाते हैं गाइस। सुबह से गाइस आज खास दिन है गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आपको भीड़ दिख रही है। तो गाइस आज जो शुभ दिन है गुरु पूर्णिमा, आज बहुत ही खास दिन है जो गंगा में स्नान करने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं और नहा कर घर वापस जा रहे हैं गाइस। मैं आपको गंगा किनारे का जो व्यू है वो दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस। काफ़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पूरी तरह से जो रोड है वो भीड़ आपको दिख रही है गाइस। तो गाइस देखिए पंडित जी है, आप कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? अरे हम जा रहे हैं निमंत्रण। निमंत्रण में जा रहे हैं मैंने मकान के पास तो सभी बहुत अच्छे। ठीक है, जाइए त्यौहार मनाइए अच्छा से ना, नहा लिए ना? हाँ ना। चलिए ठीक है, तो पंडित जी जो है वो जा रहे गाइस। तो सबसे पहले स्वागत है गाइस आपको मेरे यूट्यूब चैनल शुरू कराकर में। तो गाइस आपको गंगा किनारे का व्यू दिखाएंगे, देख सकते हैं किला, किला में काफ़ी जो पूरा मुगल सराय एरिया है, पूरा गाँव का एरिया है, वहाँ से लोग आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर गंगा के तट पर आए हैं पावन गंगा नदी में नहाने के लिए। गाइस आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है और काफ़ी संख्या में सुबह से ही स्नान करने के लिए नहाने के लिए आज इस पावन दिन में आए हुए हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं पूरी तरह से जो ब्रिज है वो ब्लॉक कर दी गई है गाइस, गाड़ी का आवाजाही बंद है और सिर्फ जो श्रद्धालु है वो नदी जो गंगा के तट पर जा रहे हैं नहाने के लिए, पूरी तरह से एकदम सिक्योरिटी टाइट है गाइस। आप देख सकते हैं इस जगह पर आज गुरु नानक का बर्थडे भी है और गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, और ख़ास देव दीपावली जो शाम के टाइम में काफ़ी संख्या में जो दिवाली का तरह दिया जलाई जाएगी गाइस से पावन गंगा के तट पर गाइस। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर आपको श्रद्धालु दिख रही है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो अपना दान दक्षिणा भी करते हैं गाइस, से वो पैसा चावल और जो कपड़ा जो पुराने कपड़े जो भी आते हैं यहाँ पर स्नान करने के बाद वो कपड़ा जो है वो दान में दे देते हैं गाइस। आप देख सकते हैं मैं फिलहाल अभी गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आपको दिख रही है गाइस, और यहाँ पर जितने भी जो दूर दूर से आए हुए हैं वो दान यहाँ पर लेते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दान देते हैं गाइस। सुबह से ही यहाँ पर कचौड़ी जलेबी और भी पकवान काफ़ी संख्या में बन रहे हैं गाइस, और नहाने के बाद वो खा पी के वो अपने घर वापसी के लिए जाते हैं गाइस। तो गाइस देखिए ये रामनगर के ये गंगा किनारे तट का ये आपका व्यू देख रहे हो गाइस, नज़ारा जो है खूबसूरत नज़ारा आप दिख रहे हैं। ये पावन गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज देव दीपावली भी है गाइस, शाम के वक्त पूरे घाटों में दिया जो जलाई जाएगी काफ़ी रोशनी हो जाएगी गाइस, देखने में बड़ा खूबसूरत लगती है गाइस इस पावन तट पर गंगा के तट पर गाइस। आप देख सकते हैं श्रद्धालु जो गुरु पूर्णिमा के दिन आए हुए हैं सब स्नान करने के लिए, काफ़ी संख्या में गाइस यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी गाइस, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा भीड़ कम हुई है गाइस, और यहाँ पर देखिए थोड़ा दान लेते हुए और यहाँ पर दान देते हुए गाइस। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी यहाँ टेंट लगी हुई है
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गाइस देख सकते हैं गंगा किनारे का तट, आपको बहुत भीड़ आपको दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही भीड़, अभी तो भीड़ बहुत ही सुबह में, अभी तो भीड़ थोड़ा कम हो गई है। आप देख सकते हैं दोनों तट, बनारस की वो साइड भी और बनारस की ये साइड भी, रामनगर पूरे चारों तरफ हर जगह पूरा हिंदुस्तान में आज के दिन सब नहाने के लिए निकलते हैं गाइस, और नहाते हुए आपको दिख रही है। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी संख्या में भीड़ है गाइस। अभी फ़िलहाल मैं ब्रिज के ठीक नीचे में हूँ, रामनगर ब्रिज है गाइस। ये रामनगर जो है लंका को जोड़ती है, जो BHU बनारस रामनगर को जोड़ती है गाइस ये ब्रिज। और ठीक सामने देख सकते हैं पूरे श्रद्धालु जो है वो नहाने के लिए इस पावन गंगा तट पर आए हुए हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं, तो गाइस देख सकते हैं बड़ी ऐसी एक नाव जो है वो आके लगी हुई है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ है गाइस, आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ किला के पीछे गंगा किनारे के मैं मौजूद हूँ गाइस, आप देख सकते हैं ठीक किला के जो नीचे में जो है किरकी घाट बोलते हैं, वहाँ भी काफ़ी श्रद्धालु नहाते हुए गाइस। यहाँ से देखिए कितनी खूबसूरत व्यू आपको दिख रहा होगा गाइस, काफ़ी भीड़ भी है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं मैं ठीक किला के पीछे हूँ गाइस, सामने घाट में भी काफ़ी भीड़ है गाइस, और किला के पीछे तो आपको भीड़ दिख ही रही है, सब स्नान करने के लिए आया गाइस। देखिए गाइस यहाँ मोबाइल के लिए हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रही है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रही है मोबाइल के लिए, देखिए यहाँ पर पटक दिए है, ये अच्छी बात नहीं है समझाने के लिए। ये चार समाज नहीं नहीं रोक रहा हूँ, नहीं ठीक है लेकिन ऐसा जवान दे रही है, नहीं तो प्यार से समझाओ ना, प्यार से समझाओ, प्यार से ऐसा नहीं करो, प्यार से समझाओ। देखो तुम लोग आए हो अच्छा अच्छा काम में आए हो तो थोड़ा सा प्यार से करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा उठाओ उठाओ भाई उसको उठाओ उठाओ उठाओ, देखो उसको चोट लग गई है, देखो गला टिप दिया ना, सब अच्छी बात नहीं है। देखिए हस्बैंड वाइफ मोबाइल के लिए झगड़ा किए गाइस, क्या बोलिएगा, इतने पावन तट पर इतने शुभ दिन के दिन में भी झगड़ा कर रहे हैं गाइस। तो गाइस देखिए सब सब जा रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे, और देखिए अपने पत्नी को बुरी तरह से मार रहे हैं गाइस, क्या कीजिएगा, लड़की देखिए लेडीज बेहोश हो गई है। गाइस देखिए उसकी बहुत हालत ख़राब है लेडीज़ का, देखिए उसका देखिए दांत भी लग गई है, अब काफ़ी ज़बरदस्त और सांस चल रही है कि नहीं चल रही है गाइस, देखो देखो उसको डॉक्टर दिखाओ यार, जाओ डॉक्टर दिखाओ उसको आके यार। तो गाइस देखिए हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुई और उसको गला टिप के उसको गिरा दिया, जिसकी वजह से बेहोश हो गई है, अब दांत भी लग गया है गाइस, अब देखिए उसका क्या क्रिटिकल कंडीशन में चली गई है, अब उसको ट्रीटमेंट करना होगा, डॉक्टर का बस ले जा रहे हैं आपको, क्या बोलिएगा, नया नया शादी हुआ झगड़ा कर लेते हैं। तो गाइस अभी ठीक है, अभी सांस ले रही है और अभी देखिए कंडीशन थोड़ा सा ठीक हो रही है, काफ़ी भीड़ लग गई है गाइस, देखते हैं गलती के वजह से क्रिटिकल उसकी दशा बहुत बुरी हो गई थी गाइस।
तो गाइस देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा बड़ी सी जहाज़ आपको इस किला के पीछे लगी हुई है गाइस, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। तो गाइस देखिए यहाँ से कितनी भीड़ है गाइस, सब स्नान करने के लिए इस तट पर आया है, गंगा के तट पर। अब बड़ी ऐसी नाव भी लगी हुई है गाइस। और सब ठीक है ना? तो वही कल आया देखने आया। तो गाइस ऊपर में अलाउ नहीं है चढ़ने का, ना तो मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस जो हस्बैंड वाइफ में जो झगड़ा हुई थी उसके अभी थोड़ा होश आ गई है, लेकिन थोड़ा सा देखिए उनको गिर जाने की वजह से गला में थोड़ा सा चोट लग जाने की वजह से थोड़ा तकलीफ है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन अभी तक डॉक्टर के पास नहीं ले गए। लेकिन अभी खुशी की बात है कि वो होश में आ गई है और थोड़ा नॉर्मल है गाइस। देख सकते हैं उस जगह पर लेडीज़ आराम से अभी उठ रही है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं पूरी वर्षी अतस्य समुद्र घाट जो है पूरी देखिए लाइट से आपको दीप से जली हुई है, पूरा दिया जली हुई है गाइस, पूरा अंधेरा है आपको, तो आपको वो दिया से आपको समझ सकते हैं कि पूरी जो घाट है वो दिया से सजी हुई है गाइस। ये देखिए रामनगर का ब्रिज, रात का दृश्य है गाइस। दिया बढ़ना चालू हो गया, इधर भी नहीं चालू हुआ था। ये कर रहे हैं।
गाइस देख सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा का रात का देव दीपावली का समय है। देखिए काफ़ी भीड़ है रामनगर का। सम्मानित करें और मैं चाहता हूं कि आप लोग तालियों के गुणगान के साथ डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। बहुत समय हमें डॉक्टर साहब की सेवाएं लेनी है, इसलिए एक बार पुनः जमकर ताली बजाकर उनका स्वागत करिए अपने मंच पर। वो भाभी जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। जो बहुत ही प्यारा संगीत था महादेव जी, जो उन कलाकारों के आदर की प्रस्तुति होती है, जो बहुत ही सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत करते हैं इन कलाकारों भेंट करके हमारे आज के विशिष्ट अतिथि का सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय विमलेश भैया, आपको एक बार पुनः हृदय तल से धन्यवाद और आज के आगमन के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं आपको। देखिए जरा सा आपका छाया चित्र भी निकल जाए, बहुत चित्र बनाते हैं हम लोगों का।